हेलो गाइस, यू वाचिंग ऑन माय चैनल रस अनप्लग्ड। आई एम रस चौधरी एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे। और अभी मैंने अपना नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैं उठ चुका हूँ, फ्रेशन अप हो चुका हूँ। जस्ट मुझे थोड़ा सा मतलब जैकेट टाइप डालना है, वो मैं बाद में डाल लूँगा। अभी करते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू। जस्ट इग्नोर द मेस, बाहर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन उठ गया। इंट्रोड्यूस कराएंगे अभी, ठीक है। बाहर तेरे लोग चुप चुप है भाई, दरे और किस कोई आ भी रहा है भाई दरे, लेकिन कोई नहीं, अपन ब्लॉग बनाए भाई। रेडी है ये इंसान उठाने वाला था सुबह, ये इंसान सुबह उठाने वाला था। वी आर रेडी ब्रदर। और कुछ पूछना है सर? ये तो ब्लॉग बना रहे सर। हाँ। सर फोन कर दे कहना हम लोग निकल गए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम सीधा लोकेशन पर। टाइम भी बता दो। टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं, जो कि हम 4-5 बजे के उठे हुए हैं, जो कि आप नहीं उठे थे। मैं उठाने का जिम्मा था लेकिन उठाया भी नहीं गया। गुड मॉर्निंग आकाश भाई। भाई ये बोल के मेरी पेमेंट कटवाएगा तो कोई ब्लॉग बढ़िया बढ़िया बस ये बताने के लिए भाई रेडी ये ब्रदर। ठीक है भाई, मेरा ये रहा, ये मुझे जाके वही पहनना है। आगे पवन सर बैठे हैं एंड ये भैया, भैया भी किससे बात कर रहे हैं। तो अपन लोग पहुंच जाते हैं वेन्यू पे एंड वेन्यू पे पहुंच के मिलते हैं। बैक ऑन सेट, पीछे भाई शूट चल रहा है ब्रो। इतनी अल्टीमेट फीलिंग है ना, मतलब तुम खुद समझ सकते हो कि जहाँ पे मैं कंटेस्टेंट था ब्रो, वहाँ पे मैं होस्ट बन के आया हूँ। कितनी अलग ही फील आ रही होगी कि जो जिस प्रोडक्शन के साथ, जिन लोगों के साथ मैंने काम कर रखा है, आज उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ बट नॉट एज एन कंटेस्टेंट। यहाँ पीछे वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, सुबह कंटेस्टेंट के साथ सबसे इंटरेक्ट करा। हेयर सर, सर का नहीं मुझे पता भाई, हमारे सर मतलब जो हमें शूट कर रहे हैं, हमें जो फिल्म कर रहे हैं, डी ओ पी। तो भाई इस कंटेस्टेंट की लाइन में, सीजन में मैं लगा हुआ था पिछले साल और इस साल मैं यहाँ पे आया हूँ बट एज एन होस्ट। अलग ही फीलिंग है, अलग ही लेवल का क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई लव द प्रोडक्शन, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मतलब इंटरेक्ट करते रहेंगे ना बीच से, तो और लोगों से भी मिलवाएंगे आपको, प्रोडक्शन टीम से मिलवाएंगे। वो देखिए गाइस, वो ग्राउंड साइड पर बहुत सारे कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं। पेड़ अड़ गया बीच में ना, दिखाता यहाँ पे अभी हम खड़े हैं और हो रहा एंट्री गेट। ये कंटेस्टेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट, तारीफ कर रहा हूँ तारीफ, थैंक यू। तो भाई इस कंटेस्टेंट का इंटरव्यू मैंने लिया था, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट है, बहुत अच्छी मतलब इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। पवन सर ने बहुत थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट करा था। पवन सर ही नहीं मतलब हर एक टीम प्रोडक्शन की बहुत अच्छी है हमारी, और अब तो मैं भी हिस्सा बन चुका हूँ इस प्रोडक्शन का। मैंने पहले भी तारीफ करी है, आपकी भी करी है सर, ठीक है, क्योंकि सर का भी बहुत अच्छा आउटपुट रहा है थ्रू आउट। स्टार्टिंग में इनके थ्रू ही सर ने मेरा ऑडिशन लिया था गाइस, इस वजह से। ऑडिशन कैसा था? अच्छा था गाइस, हालांकि मैं काफी कुछ भूल चुका हूँ उस ऑडिशन से अभी तक, लेकिन अच्छा था, इतना मुझे याद है थोड़ा। सर भी बिजी हैं, मैं बिजी हूँ, तो बाद में बात करते हैं, हम मिलते हैं जल्दी। अनदर स्नैक्स टाइम गाइस, ये हमें रिफ्रेशमेंट मिली जिसके अंदर से हम ऑलरेडी सैंडविच खा चुके हैं। देन वी हैव केक, बिस्किट एंड रियल जूस, कुरकुरे एंड फ्रूटी।
यार अभी मैं बैठा हूँ क्लासरूम में, क्योंकि ये हमारा भाई क्या कहते हैं रेस्ट टाइम, रेस्ट टाइम है। जैसे आपको मैंने दिखाया रिफ्रेशमेंट मिली थी, अभी हम रिफ्रेशमेंट वगैरह खा रहे हैं। अभी भाई हमारा शॉर्ट्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। और ये जैसे स्कूल में हो रहा है, शफल्ड स्कूल में हो रहा है, तो उसी का क्लासरूम है जिसमें अभी हम बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं भाई थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से कंटिन्यूस काम कर रहा है इसी वजह से। और बाकी रिफ्रेशमेंट मैंने दिखा दिया, टीम इतनी अच्छी है ना, हर थोड़ी थोड़ी आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद कुछ ना कुछ आ रहा है, कभी फ्रूट्स आ रहे हैं, कभी जूसेस आ रहे हैं, कभी रिफ्रेशमेंट जैसे हैम्पर अभी आए ही आ रहे हैं। तो मतलब थ्रू आउट द थिंग चलता रहा। ब्रेकफास्ट में भी पहले फ्रेंच फ्राइज थी, फिर पकौड़े थे, और मैक्रोनी थी, चाउमीन थी, और कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, पानी, सब कुछ आया। डॉक्टर है अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है उसके लिए भी। बोलना चाहेंगे कुछ और? नहीं रहने दे यार, तेरे से बोला नहीं जाएगा। इसके हिस्से का मैं बोल देता हूँ गाइस, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा दे रही है अपना, ऐसी आवाज़ होने के बावजूद भी हेड्स ऑफिस है कि वो हार नहीं मान रही, वरना कोई और होता ना हार मान के बैठ जाता अब तक, बट ये हार नहीं मान रही है, अपना परफॉर्मेंस दे रही है इसमें भी। इसकी आवाज़ जबकि निकल नहीं रही, कल रात तक हॉस्पिटल में थी, 2 बज रहे थे और ये हॉस्पिटल में थी, पूरी रात नहीं सोई क्योंकि गार्गल कर रही थी भाई कि आवाज़ ठीक हो जाए ठीक हो जाए। दवाइयाँ खा रही थी, थेरेपीज ले रही थी, बट इसकी आवाज़ और ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों किसकी नजर लग गई, मैं यही कह रहा हूँ इसे, एक बंगालन की नजर लगी है मुझे। कुतिया बन जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसे नजर लग गई। खैर कोई नहीं गाइस, हम दोनों को ऑल द बेस्ट। वो बंगालन आप लोग जल्दी टीवी पे भी देख लोगे। सब कुछ बोल दे, कंट्रोवर्सी करवाएगी, यहीं पे लड़ाई करवाएगी, फुटेज। ठीक है गाइस, तो ये सीन है, अभी खैर अपन रेस्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। चावल तो खा लेते हैं भाई, कड़ी चावल खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी अभी हम लोग आए हैं वापिस जजमेंट करके। मैं सच बताऊं, ऐसे कंटेस्टेंट थे कि यार हट गए। और यार मैं एक इनकी तारीफ करूंगा, ये बहुत भोले इंसान है। एक कंटेस्टेंट ने 100 रुपए मांगे, दे भी देकर तो आप पेटीएम कर दिए, अब आएंगे 200 रुपए, इन्होंने 100 देके 200 मांग लिए। यही तो भाई को भी ले लो, इनको भी ब्लॉग में आना है भाई। तो बहुत अच्छा रहा ऑडिशन, बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स मिले साथ में। हाँ सर, काम क्यों है एज ऑलवेज? सिंगर्स कैसे हैं सर? इसी वजह सिंगर्स वाज माइंड ब्लोइंग, ट्रस्ट मी, माइंड ब्लो, माइंड ब्लो हो गया ब्रो। हाँ बिल्कुल ब्लो कर दिया। कट गया, कट कट, डीप डीप।